मैं पहले क्या सी कहने सीएफजी में कई एक बीमारियां है, एक तो ये एम्बिग्यूटी है समटाइम हो जाती है वो पर रिमूव कर रही होंगी, उस तो बाद रिकर्जन हो जाती है वो पर रिमूव करते हैं, उस तो बाद टॉप डाउन पार्सिंग वास्ते आपां लैफ्ट फैक्टरिंग भी रिमूव करते हैं। लैफ्ट फैक्टरिंग की होंगी है कि जितने अपने कह लो कि आप कन्फ्यूज हो जाते कि आपको कि प्रोडक्शन चूज करिए, कि जिदा ए गोज टू ए बी या ए सी या ए डी या अगर अपने को स्ट्रिंग है जिस स्टार्ट ए आ रहा वा, मगर चाहे जो भी डी आता है कुछ भी आता अगर ए डी स्ट्रिंग हो आप कि चूज़ करा क्योंकि आप जो कंप्यूटर है या प्रोग्राम है वो तो एक टाइम तो एक ही लैटर चैक करता ना, वो जिस अगर पहले ए आ रहा वो इनू ट्राई करेगा, अगर देखे अगर बी या बी डी ने मैप मैच नहीं करेगा वो इनू क्रॉस कर देगा, तो इनू देखेगा ए आ रहा ठीक है, अगर अगर सी आएगा वो नहीं मैच करता उन्हें क्रॉस कर देगा, फिर इतने आगे देखेगा ए या डी या तो सही करेगा, तो इधर बार बार कर बैक ट्रैकिंग करनी पैंती है, इनू कहते हैं लैफ्ट फैक्टरिंग। वो लैफ्ट फैक्टरिंग आप करते जी कि ना सिमिलर सिमिलर या शेयर्ड जोड़े कि टर्मिनल्स होंगे आप सिंगल कर लेंगे दो तीन की बजाय ना, या अगर एक तो ज़्यादा हो तो उन्होंने आप एक कर देंगे, वह की होगा सपोज ए गोज टू हैगा ना आप कह देंगे ए गोज टू स्मॉल ए ए प्राइम कह ला कुछ भी ना रख ला, नो ए प्राइम गोज टू बी कह लो सी कह लो तो डी कह लो। हूँ आ जी प्रोडक्ट बन गई हैगी ना सी एफ जी, ये कोई एम्बिग्यूटी नहीं हैगी, पहले मरले आप करेंगे ए नू आप ले जाएंगे ए तो ए प्राइम पर मतलब कि ए प्राइम तो अपने को जो डी होएगा तो आप खाली डी वाला चूज कर लेंगे, जो आप डी पर पहुँच जाएंगे बार बार चेक करने की लोड़ नहीं पैगी। ये है जनाब लैफ्ट फैक्टरिंग। तो अगर थोड़ी एग्जाम्पल देख लेने हैं आए उही फॉर्मूला लिखा हुआ है कि अगर ए अल्फा शेयर हो रहा तो आप करेंगे अल्फा अगर ए प्राइम तो उ मैंने पिछले सॉल्व किया उ जिदा हैगा ये की शेयर हो साझा की है ए एना ही तो दोनों साझा है यदा की बनेगा वो यानी कि साझा कर लेंगे ना लैके जिदा पिछले किया सॉल्व कर लेंगे यानी कि स्टेटमेंट वो अगर आ रहा साझा पार्ट ए हो गया तो नाल की लावे ना सपोज एक्स लाता तो एक्स की करेगा एक्स गोज टू साझे पार्ट पहला पार्ट की इतने आ गया तो दूजे में आ गया इतने कुछ नहीं सगा इतने नल सगा इतने नल आ जाएगा। बाकी अगर एग्जाम्पल में थोड़ा कंसैप्ट हो क्लीयर हो जाएगा, एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कितने की सॉल्व नहीं की आप इतने आप ही करनी पैनी, देखो जी आ हैगा आ इन्ना आप साझा अपने को हैगा तो की बन गया वो एस गोज टू ए आ इतने आ गया ठीक है, तो नाल आप लाता एक्स तो आ ए आप उस तरह लाता ना एक्स। हूँ एक्स का मतलब की हैगा एक्स का मतलब एक तो आ हैगा ई एस दूजा ये ई एस है नहीं गा ये कुछ भी अपना एप्सलॉन लाता बस, बाकी जो तो ई हैगा गोज टू बी ओ बी बन गया। लो जी ये लैफ्ट फैक्टरिंग हो गई। हाँ बल्कि आग की हुई जनाब आ गई बल पिछले किया ना आदा जनाब आंसर आ गया, तो उस बाद अगे आ हैगा ये लैफ्ट फैक्टर मूव करनी है कि करोगे जी साझे लगोगे ए आ ए आ ए आ तिना बजे साझा है एक टाइम तो एक लैटर लाओ उस तरह ईजी हो जाता वो की बनेगा एस गोज टू जवाब देख लो डायरेक्ट साझा ए लिया लिया तो ये आप एस प्राइम लिया लिया एस प्राइम का मतलब कि एस प्राइम का मतलब आ भी आ भी आ तो ए आ भी आल बी आउदी चुके इत लाता। हूँ एस प्राइम का मतलब की है एस प्राइम मतलब जो आ हो गया तो वह जनाब आ लिखा गया दूजा आ हैगा तो तीजा डबल बी हैगा। हूँ ये दोबारा देखो कोई लैफ्ट फैक्टरिंग हो रही है कोई साझा वेरिएबल आ रहा ज टर्मिनल आ रहा आ देखो एस तो एस दिन फिर आ रहा हूँ आप करा
एस प्राइम गोज टू हाँ एस लिखाँगे नाल ये वास्ते इन्होंने दोनों वास्ते एस डबल प्राइम लिखाँगे। एस डबल प्राइम का मतलब की हैगा, एस डबल प्राइम का मतलब हैगा आह ते आह ओ लिखता लो जी ठीक हो गया। अजय तो एक थोड़ी गलती की है अपने आ डबल बी और नाल आएगा ना आर डबल बी वो अपन लिखता जो उत्ते पहले बी ना लिखा सर जिदा बी इतने आया सगा इतने इतने डबल बी भी आएगा लो जी। ये मूव का लो भी बहुत सिंपल है साझा की है सारे बच्चे बी एस बी एस बी एस ए उदी नाल आ जाएगा ओ जी बी एस तो एस प्राइम नाल ए आ गया। हम एस प्राइम का मतलब एस प्राइम का मतलब है आह आह तो आ बी वो आ गया एस प्राइम मतलब आह आह तो आ बी आ गया लो जी। हम आप पहला स्टैप है ये हूँ हम अगेन देखो कोई साझा आ रहा है एस से एस साझा आ रहा तो वो की करा आ तो लिखता ना उत्ते वाला सही सगा ये एस एस अब बल्कि आ एस ए तो एस समझा आ रहा एस ए लिखे नाल एस डबल प्राइम लिखता नाल बी लिखता ठीक है। हम एस डबल प्राइम का मतलब की है एस डबल मतलब जो ना समझे है आ हैगा तो आ हैगा और जनाब जी ए एस तो एस बी लिखता लो जी इन्नी लैफ्ट फैक्टरिंग हैगी है जनाब दो चार प्रैक्टिस होर कर लो नैट सैंपल देख लो तो थोड़ा एक कंसैप्ट क्लीयर हो जाएगा।